सुभाष नगर से आरके एमपी के बीच मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल, फाइनल ट्रायल रन 2 अक्टूबर को होगा, सीएम शिवराज यात्रा कर सकते हैं। नमस्कार, मैं अंजना द खबरदार न्यूज से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वक्त की प्रमुख खबर से। भोपाल के सुभाष नगर स्थित मेट्रो डिपो में कनेक्टिविटी और टेस्टिंग प्रोसेस पूरी होने के बाद कोच ट्रैक पर आ गए हैं। सोमवार को डिपो में ही मेट्रो ट्रैक पर चली, मंगलवार को इसका सेफ्टी ट्रायल रन शुरू हुआ। सुभाष नगर से आरके एमपी स्टेशन के बीच मेट्रो का सेफ्टी ट्रायल किया जा रहा है। दोपहर 12:30 बजे मेट्रो डीबी मॉल के सामने से गुजरी, दोपहर 1:15 पर आरके एमपी पहुंची। मेट्रो में टेक्निकल स्टाफ बैठा हुआ है। 2 अक्टूबर को फाइनल ट्रायल रन किया जाएगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान फाइनल ट्रायल रन को न सिर्फ हरी झंडी दिखाएंगे बल्कि मेट्रो का सफर भी कर सकते हैं। गुजरात के सांवली यानी वडोदरा से करीब 850 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद 17 सितंबर की रात में कोच भोपाल आ गए थे। 18 सितंबर को उन्हें डिपो में बने इंस्पेक्शन वे लाइन यानी IPL पर लाया गया था। इसके बाद सीनियर इंजीनियर्स, टेक्निकल एक्सपर्ट्स, सुपरवाइजर सहित 50 से ज़्यादा लोगों की टीम ने कोच को कनेक्ट करने और उनकी रेटिंग में लगी थी। 8 दिन यह काम करने के बाद सोमवार को मेट्रो ट्रैक पर चलाकर देखी गई। अब मंगलवार से इसे सुभाष नगर से लेकर आरकेएमपी स्टेशन तक चलाकर देखा जाएगा। सीएम करेंगे मेट्रो में सफर। प्रायोरिटी कॉरिडोर में कुल 8 स्टेशन हैं। इनमें एम्स हॉस्पिटल, अलकापुरी, DRM ऑफिस, रानी कमलापति रेलवे स्टेशन, सरगम टॉकीज, DB मॉल, केंद्रीय स्कूल और सुभाष नगर स्टेशन शामिल हैं। ट्रायल रन करीब 3.5 किलोमीटर में सुभाष नगर स्टेशन से आरकेएमपी स्टेशन तक किया जाएगा। 2 अक्टूबर को सीएम चौहान सुभाष नगर पर फाइनल ट्रायल रन को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके बाद वे आरकेएमपी स्टेशन तक मेट्रो में सफर भी करेंगे। डिपो में 24 घंटे चला काम, मेट्रो कोच को कनेक्ट करने और टेस्टिंग करने का काम सुभाष नगर डिपो में 3 शिफ्ट में 24 घंटे चलता रहा। मेट्रो रेल के अलावा मेट्रो बनाने वाली एलस्टॉर्म ट्रांसपोर्ट इंडिया लिमिटेड के कर्मचारी भी यहां पर मौजूद हैं। कोच की खासियत, मेट्रो ट्रेन के प्रत्येक कोच की 22 मीटर लंबाई और 2.9 मीटर चौड़ाई है। मेट्रो के एक कोच में करीब 50 पैसेंजर बैठ सकते हैं। वहीं इसमें 300 पैसेंजर के खड़े रहने की क्षमता है। अनअटेंडेड ट्रेन ऑपरेशन यानी UTO मोड, स्वचालित ट्रैक निगरानी प्रणाली, ऊर्जा बचत सुविधाएं, ट्रेन नियंत्रण और प्रबंधन प्रणाली यानी TCMS में साइबर सुरक्षा सुविधाएं, इंटेलिजेंस CCTV सिस्टम यानी ICCTV पकड़ने के लिए ग्रैब हैंडल, LED पैनल, डिजिटल रूट मैप एवं साइनेज, एयर कंडीशनर कोच होंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही प्रमुख खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द खबरदार न्यूज। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।